हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। तन पर कवच और नंगे पांव, प्रभु इस अवस्था में आप परमवीर रावण को कैसे जीत पाएंगे? नाथ नरत नहीं तन पर त्राणा, के विधि जीतब वीर बलवाना। मित्र, तुम्हारी चिंता निर्मूल है। मनुष्य जिस रथ से विजय प्राप्त करता है वो रथ काठ और लोहे का बना हुआ नहीं होता, वो तो दूसरा ही रथ है। उस रथ के शौर्य और धैर्य ही दो पहिए हैं, सत्य और शील, दृढ़ पताका और ध्वजा है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चारों घोड़े हैं जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। सौरज धीरज धीरज चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा के पादम तारज जोरे। ईश्वर भजन उस रथ का चतुर सारथी है। ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना। दान हर्षा है और बुद्धि प्रचंड। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंड, पर विज्ञान कठिन को दंडा। शम, यम और नियम ये अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम सिली मुखना। और गुरुजनों का पूजन अभेद्य कवच है। कवच अभेद दीप गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा।
ऐसा धर्ममय और दृढ़ रथ जिसके पास हो। वो रावण तो क्या, संसार रूपी महान अजेय शत्रु को भी जीत सकता है। हे कृपा और सुख के सागर, आपने इसी बहाने दया करके मुझे परम उपदेश दिया है। आप धन्य हैं प्रभु। स्वामी को युद्ध के लिए भेजो, या वह दोनों भाई चूड़ियां पहनकर कहीं छुपकर बैठ गए। रावण, वो छुपाता है तेरे जैसा कोई पापी, वीर पुरुष वो नहीं छुपाते। तेरा काल तुझे मेरे सामने ले आया है। मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। आज तेरा मस्तक काटकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। बातों से छाती ठंडी नहीं होती रावण, वो तो होगी मेरे विषैले बाणों से। भटकने वाले वनवासी, भालू वानरों के साथ और मेरे कुलद्रोही विभीषण के विश्वासघात के सहारे की सहायता से अपने नाम के झंडे तूने जो गाड़ रखे हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने आ गया है रावण। रावण नाम है मेरा। बड़े बड़े दिक्पाल, देवी देवता, नाग गंधर्व तक को रुलाने वाला रावण।
अवश्य। रावण का अर्थ तो रुदन ही है लंकेश। तुम्हारी सार्वभौम सत्ता, अपार प्रभुता और प्रचंड पराक्रम त्रिलोक में विख्यात है। तुमने अनीति, अनाचार और अत्याचार से पूरे संसार को आंसुओं में डुबोया है। अब यदि वही आंसुओं का सागर तुम्हें डुबो दे तो दोष तुम्हारा ही होगा। रावण, संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। एक केवल कहते हैं, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं, तीसरे केवल करते हैं, उसे बखानते नहीं। तुमने अभिमानवश बखान तो बहुत कर लिया, अब करके क्या दिखाओगे ये तो इतिहास ही बताएगा। तपस्वी, यह तपोभूमि नहीं रणभूमि है। रणभूमि, ज्ञान का बखान मत करो, धनुष बाण से बात करो, धनुष बाण से। अवश्य, तुम्हारी कोई आकांक्षा अधूरी ना रह जाए। बजेगा झंडा किसका झुकेगा आज धर्म और पाप की लड़ाई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। शोध की आज नहीं सीमा रावण के क्रोध की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवीर हैं, वेरण में भी धीर वीर गंभीर हैं। रावण कहता युद्धम देही, राम देखी मुस्का में देही। एक लोभी खल कामी दो दिशाओं की आन टकराई है। आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। निर्णय की घड़ी अब आई है। देशद्रोही, तू अपने देश, अपनी जाति, अपने कुल का जो कुछ अनिष्ट कर सकता था कर चुका। मैं चारों ओर तुझे ही ढूंढ रहा था जिससे मैं अपने उस दिन की भूल का प्रायश्चित कर सकूं जो मैंने तुझे जीवित छोड़कर की थी। इंद्रजीत ठीक ही कहता था, तेरा परित्याग करते समय तुझे जीवित न छोड़ दिया होता तो लंका का इतिहास आज कुछ और होता। अच्छा हुआ तो सामने आ गया, यह प्रचंड शक्ति हमने तेरे लिए ही संभाल कर रखी थी।
इससे तुझे स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकेंगे। ब्रह्मा जी भी शक्ति आघात किया, शक्ति के साथ बड़ी मित्रता निभा रहे हो राम, परंतु तुम दोनों का अंत मेरे हाथों होगा। अरे दुर्बुद्धि दुराचारी, तू नर मुनि नाग आदि पर विजय पाकर मदहन हो गया है, जो तीनों लोगों के स्वामी को नहीं पहचानता। आज तेरा काल तेरे सर पर नाच रहा है, तेरे अंत का समय आ गया है मूर्ख। क्या किया करुणा निधान, मेरे जैसे एक राक्षस जाति के तुच्छ जीव के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण, जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे आप हमारी शरण में आए हैं, शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। तीसरे हमने आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया है, हमारे रघुकुल में यह रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, सो हमने तो केवल अपना धर्म ही निभाया है। नहीं रघुवर सामित्र कोई, नहीं प्रभु सा प्रतिपाल, मित्रों के संकट सहे बनकर उनकी ढा। निज स्वामी पर सारथी संकट आया जान, रावण को रणभूमि से ले गया चतुर ले जा रहा है मेरे रथ को। महाराज आप अचेत हो गए थे। अचेत मैं नहीं,
तू हो गया था मूड मसीमन। तूने रण में पीठ दिखाने वालों में नाम लिखा दिया है मेरा। क्षमा महाबली, श्री राम का दूसरा जीव खींच देंगे हम तेरी, शत्रु को यदि श्री कहा तो। तुझे भय था कि मेरे प्राण संकट में हैं? अरे मूर्ख, यदि लाना ही था तो मेरे मृतक शरीर को रथ में ले आता। जीते जी रावण रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया, यह कलंक तो न लगता हमें? मूर्ख तू दशानन, रावण का रथ चलाने योग्य नहीं है कायर। हमारी आज्ञा बिना हमारे रथ को शत्रु के सामने से क्यों हटा दिया? तूने चीरकाल से उपार्जित हमारे यश, हमारे शौर्य, हमारे तेज, हमारे अटल विश्वास पर पानी फेर दिया है। तूने शत्रु के सामने हमें कायर सिद्ध कर दिया है। तू अपराधी है, तू दंड देने योग्य है, तूने शत्रुता की है हम। हाँ बली महाराज, मैं कायर नहीं हूँ, आपके बल पराक्रम से भी भली भांति परिचित हूँ। मैं आपका स्वामी भक्त सेवक, सदा आपके कल्याण की ही कामना करता हूँ। आपकी विजय समस्त असुर जाति की विजय है, मैं ये भूला नहीं हूँ। महाराज, भीषण संग्राम में शत्रु की अपेक्षा आपकी प्रबलता कम होती दिखाई दी। मेरे अश्व भी उस मारकाट में शिथिल होने लगे थे। उस समय जो लक्षण प्रकट होने लगे थे उससे मुझे अमंगल की आशंका होने लगी थी स्वामी। सारथी का कर्तव्य है देश काल उत्साह अनुत्साह अपने स्वामी के हित अनहित के प्रति सतर्क रहें, शत्रु के पास जाने दूर हटने के उपयुक्त अवसर के प्रति भी सावधान रहें। यदि आप मेरी ये भूल दंड देने योग्य मानते हैं तो जो चाहे दंड दे सकते हैं। इस पर हम बाद में विचार करेंगे, इस समय तू हमें तत्काल रणभूमि में शत्रु के सामने तीव्र गति से ले चल। चल चलिए शिविर में चलिए, आपके घाव का उपचार कर दिया जाए। बंधु, युद्ध भूमि से तो केवल प्राण गंवाकर ही दूसरों के कंधों पर उठकर जाया जाता है। छोटे मोटे घावों से घबराकर भागने वालों को युद्ध भूमि में नहीं आना चाहिए। आज एक भी वानर सैनिक जीवित नहीं बचेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को मृत्यु के घाट उतारकर अपने हृदय की ज्वाला शीतल करूंगा। दशानन, युद्ध से भागे हुए कायर, ऐसे बड़बड़ कर गाल बजाते लाज नहीं आती? मरकट, कहां छिपा रखा है अपने भिखारी स्वामी को, उससे कहो कि दशानन ललकार रहा है। ललकार का प्रतिकार करने में आ गया लंकेश, तुम ही रणभूमि को पीठ दिखाकर प्रस्थान कर गए थे। पीठ नहीं, हम तुम्हें नया पाठ सिखाने का सामान जुटाने गए थे। ये ले मेरा तामस अस्त्र। इसलिए तू बच गया, परंतु ये मेरा स्वास्थ्य जिससे देवता भी नहीं बच सके, तेरी सारी सेना सहित कीट पतंगों की तरह तुझे भी धूल में मिला देगा। उसका प्रयोग भी करके अपनी अभिलाषा पूर्ण कर लो लंकेश। तो ले
समान युद्ध कर। छल कपट का युद्ध शूरवीरों को शोभा नहीं देता। रावण का सामना करने की शक्ति और साहस तेरे में नहीं है तो फिर डाल दे, हम तेरे सभी अपराध क्षमा कर देंगे। सचेत हुआ दशानन युद्ध को पुनिया गया, कल प्रचंड प्रकोप सीधा राम से टकरा गया। श्री राम के चहुओर चक्राकार सा एक छा गया, दिव्यास्त्र सब खंडित हुए यह देख अरि चकरा गया। युद्ध विरुद्ध रघुपति कौन सायक कसम से, दंड धुनि अति चंड सुनि मनु जात सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भू धर्त्र से, चिकाहि दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हसे। रावण को प्रभु खेल खिलावे, युद्ध करन की साध मिटावे। झुकेगा आज धर्म और पाप की लड़ाई है, आज धर्म और पाप की लड़ाई है। निर्णय की घड़ी अब आई है, निर्णय की घड़ी अब आई है। होकर तुम्हारी सहायता कर दी, युद्ध विराम होने के कारण तुम जीवित बच गए, परंतु कल तुम अपने पैरों से चलकर वापस नहीं जाओगे। समझ लो आज की रात्रि इस पृथ्वी पर तुम्हारी अंतिम रात्रि होगी। मुझे तो तुम्हारे सर पर अभी से काल मंडराता दिखाई दे रहा है। जो काल तुम्हें दिखाई दे रहा है वो मेरे बाणों में बैठा तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे ये जो थोड़े से श्वास शेष रह गए हैं उनके समाप्त होते ही वो तुम्हें अपने पास में बांध लेगा। ये समय बातों में मत गवाओ रावण, जाकर अपना परलोक सुधारने का कुछ उपाय करो। ओ भैया,
सारा शरीर छत विछत हो गया है, कितने गहरे घाव हैं। युद्ध में लगे हुए घाव तो वीरों का अलंकार होते हैं लक्ष्मण। भैया मैं सब कुछ जानता हूं, कितनी पीड़ा सह रहे हैं आप। अरे अब पीड़ा कहां, तेरे हाथ के स्पर्श में माता का ममत्व और भाई का स्नेह सब कुछ एक साथ मिल गया है। जैसे औषधि उपचार से नहीं, तेरे प्यार ने सारी पीड़ा हर ली है। तूने मेरी नस नस में नया उत्साह नई उमंग भर दी है। देख लेना कल तेरा राम ऐसा घमासान युद्ध करेगा कि युद्ध के इतिहास में वो अमिट अक्षरों में लिखा जाएगा। बार बार मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती है, इस सब बखाने की जड़ मैं हूं भैया। यदि मैं माता सीता की उस क्षणिक कटुता से आवेश में आकर भाभी को छोड़कर अकेला नहीं जाता तो हमारे इस शांतिपूर्ण वनवास में ये घोर लंका कांड नहीं लिखा जाता। लक्ष्मण अज्ञानियों की भांति बातें क्यों करते हो, तुम तो जानते हो कि जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता, परंतु विधाता जानते थे कि जो दुख हमको मिला उसके परिणाम स्वरूप संसार और समाज का कितना कल्याण होने वाला था। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है कि सीता को वास्तव में आर्यव्रत को अधर्मियों की अनीति और अत्याचार से मुक्त करने का निमित्त बनाया गया। अब यदि हम केवल वन विहार करके अयोध्या लौट जाते तो धर्म कर्म में जीवन यापन करने वाले और लोक कल्याण में जीवन समर्पित करने वाले ऋषियों और मुनियों का त्रास कैसे मिटता। गुरुदेव वशिष्ठ से मिला ज्ञान, महर्षि विश्वामित्र से मिला दिव्य आयुध ज्ञान और महात्मा अगस्त को दिया हुआ वचन सब व्यर्थ हो जाता। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। भैया आप युग पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिसकी पूर्णता तुमसे है लक्ष्मण। अब जाओ कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो, कल का युद्ध बहुत भीषण होने की संभावना है। प्यास बुझत न बुझा